हेलो वेलकम, दिस इज वन इंडिया न्यूज एंड आई एम आकाश। इंडियन बैट्समैन हरमनप्रीत कौर स्कोर्ड 171 रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल्स, हेल्पिंग इंडिया टू ईज इन टू द फाइनल्स ऑफ द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप। नाउ बिग क्वेश्चन अराइजेस, इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर फीमेल्स आर नॉट गिवन देयर ड्यू राइट्स, वॉट वुड पीपल थिंक अबाउट अ फीमेल क्रिकेटर हु इज एट पार विद हर मेल काउंटर पार्ट्स। लेट्स गो एंड हियर फ्रॉम द पीपल व्हाट दे हैव टू से। मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद है हरमनप्रीत कौर से हैं, जो अभी बिल्कुल फॉर्म में हैं। हरमनप्रीत कौर के बारे में आप और क्या कहना चाहते हैं? और कुछ नहीं चाहते हैं, बस अपने देश का ये कल्चर है, महिलाओं को दबाया जाता है। हाँ जी, बल्लेबाज के लिए है। हाँ, ये गलत बात है कि महिलाओं को दबाया जाता है। आजकल महिलाएं देश को लीड कर रही हैं, आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में जा रही हैं। महिलाओं के लिए काफ़ी बड़ा मैसेज दिया हरमनप्रीत कौर ने, जो हाउसवाइफ होती है या फिर जिनको घर से प्रेशर होता है कि पढ़ने का, अब वो स्पोर्ट्स पे निकल के काफ़ी नाम कमा रही है। महिलाओं के लिए तो हरमनप्रीत ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि वैसे घर में होता लोग पढ़ाई के लिए ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हरमनप्रीत ने सिर्फ क्रिकेट से सिर्फ छक्के मार के टीम को ही नहीं जिताया, बाकी जितनी रूढ़िबद्ध धारणाएं थी उन्हें तोड़ के आगे बढ़ी हैं। वो ये कहना चाहूँगा, उन्होंने ऐसा संदेश दिया है कि आप भी बढ़ चढ़ कर खेलों में हिस्सा लें, और जो भी महिलाएँ जो घर से नहीं निकल रही हैं खेलों में जाएँ, और भी अदर क्षेत्र सभी में जाएं, महिलाएं के लिए हर क्षेत्र खुला हुआ है। हरमनप्रीत कौर एक तेज बल्लेबाज हैं, आने वाले मैच में क्या लगता है कैसा प्रदर्शन करेंगे? आने वाले मैच में ही इससे बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद करता हूं मैं तो। जीत पक्की लग रही है आपको? बिल्कुल पक्की लग रही है। यही कहना चाहूँगा कि बाकी महिला तो घर में बैठ के खाना बनाती है, उन्हें मौका नहीं मिलता कहीं बाहर जाने का, कुछ करने का, कि कुछ करके दिखाए। जो हरमन कौर ने करके दिखाया है उससे बाकी महिलाओं पे काफ़ी मतलब कि खुशी की बात है। जी बहुत मज़ा आया देख करके। आई वॉज द मैच स्टार्ट टू एंड, बहुत अच्छा खेले। जिस तरह से हरमनप्रीत कौर ने खेला, 171 रन की इनिंग, वो थी मेमोरेबल थी। उससे ये पता चल गया है कि हम कहते थे कि लाइक गर्ल्स नहीं कर सकती हैं ये गर्ल्स। मुझे उस टाइम तक बिलीव नहीं था कि लड़कियां भी छक्के मार सकते हैं बड़े बड़े। जब मैंने उसको खेलते हुए देखा तो मुझे पता चला दैट देर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल फॉर द गर्ल्स, और बहुत मज़ा आया देखने में। लग नहीं रहा था कि इतना स्कोर पहुंच जाएगा 281। जो भी कमेंटर थे क्या नाम था आकाश चोपड़ा, वो कह रहे थे 205 तक हो सकता है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 280 तक हो सकता है। जिस तरह से उन्होंने कहा वो अचीव करा लड़कियों ने, ठीक है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बॉलर की पिटाई करी, 6 times वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी है और बहुत अच्छा खेले। बिल्कुल उनकी तरफ से जो उन्होंने जो मैसेज दिया, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है। इंडिया में ऐसी बात नहीं है कि कोई लड़कियां रही नहीं है, ऐसी कोई वुमेंस नहीं रही है जो इंस्पिरेशन ना हो। काफ़ी सारी वुमेंस इंस्पिरेशन के तौर पर बनी हैं, और इनमें से एक हमारी कौर जी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। 171 का स्कोर किया है, बहुत अच्छा किया है। इससे ये इंडियंस वुमेंस को ये मैसेज मिलता है कि हाँ, जब वो कर सकती है तो बाकी औरतें क्यों नहीं कर सकती हमारे देश की, और वो रहेंगी तो जाहिर सी बात है इंडिया की टीम जीत सकती है हमारी वुमेंस की। सो यू हर्ड व्हाट पीपल हैव टू से अबाउट दिस अमेजिंग नॉक बाय हरमनप्रीत कौर एंड हाउ शी हैज डन इंडिया प्राउड। नाउ यू ऑल्सो हर्ड दैट हाउ पीपल आर सेइंग दैट वुमेन आर एट पार विद मेन, बट द टास्क इज मोर इजियर देन सेड। For women in India, it's a daily struggle to fight for their rights, and it's people like Harmanpreet Kaur that give a new meaning to womenhood in India. Well, that's all for now, but for more news and updates, log on to oneindia.com, and please don't forget to like and share this video. Also, don't forget to subscribe to One India News YouTube channel.